मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सतीश कुमार निगम मन और कर्म से समाजवादी व्यक्तित्व के परिचायक, इस कर्मठ और ईमानदार छवि वाले जनसेवक का एकमात्र लक्ष्य जनता की सेवा है। ये जनसेवा का भाव ही था जिसने सतीश निगम को अपनी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर अपने जीवन को जन कल्याण के प्रति समर्पित कर दिया। राजनीतिक पटल पर अपनी पहचान बनाने के बाद सतीश निगम ने अपने आप को एक जनसेवक के रूप में स्थापित किया और यही कारण है कि आज सतीश निगम जन जन के नेता के रूप में हर दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। आज जन शक्ति सतीश निगम की शक्ति और धरोहर दोनों हैं। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं देश के लिए काम करूं, समाज के लिए काम करूं, गरीब आदमी के लिए काम करूं और उन लोगों के लिए काम करूं जिनके पास दर्द है लेकिन उनके दर्द को कोई सुनना नहीं चाहता। जमीन से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सतीश निगम एक समय राजनीति से दूर ही रहते थे, लेकिन आम जन की दिक्कतों और सामाजिक गैर बराबरी ने इनके दिल पर ऐसा गहरा वार किया कि उन्होंने जनता का सेवक बनने का निर्णय लिया। राजनीति के प्रति हमारा कोई रुझान नहीं था, मैं चाहता नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे जबरदस्ती घेर करके सभासद का चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव बहुत ज़्यादा मतों से जीता और जीतने के बाद मैंने उनसे कमिटमेंट ये किया था कि भाई देखो हम 5 साल तक आपकी सेवा करेंगे और क्षेत्र को अच्छा विकास हम कराने के बाद फिर वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे, राजनीति हमारे सोच का क्षेत्र नहीं है। इन 5 सालों में मैंने देखा कि आम आदमी, गरीब आदमी और शरीफ आदमी की बात कोई नहीं सुनता, उन्हें इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो मुझे लगा 5 साल बाद कि अगर मैं वापस लौट गया तो इन आम आदमी और गरीब आदमी की बात कौन सुनेगा, भले और शरीफ आदमियों की बात कौन सुनेगा। ये सोचकर मैं राजनीति में रुक गया और उसके बाद मैंने तय किया कि हम अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करेंगे और तय किया कि हम आगे विधायक का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने एक उभरते जनसेवक को साल 2007 में कल्याणपुर विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया। केवल 20 दिनों की छोटी सी अवधि में जन समर्थन के साथ सतीश निगम ने ये चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। इस हार को सतीश निगम ने सहर्ष स्वीकार किया। हम 2007 में लड़े लेकिन चूंकि बहुत कम वक्त मिला, आपके बीच हम ठीक से नहीं जा पाए और आप भी हमें नहीं समझ पाए बहुत कम वक्त में, तो ना समझिए हमारी तरफ से भी हो गई और आपकी तरफ से भी हो गई। हम चुनाव जीत बेशक नहीं पाए लेकिन हमने 5 साल आपकी फिर भी सेवा की। राजनीतिक हार सतीश निगम के जज्बे को जरा भी नहीं हिला सकी। विधायक ना होने के बावजूद साल दर साल जन सेवा का सिलसिला तेज होता गया और आने वाले 5 सालों में जनता को यह विश्वास हो गया कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का हकदार सिर्फ सतीश निगम है। समय ने करवट ली और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में लगातार 17 सालों से जनता के बीच रहने वाले और उनके हर सुख दुख में साथ रहने वाले सतीश निगम के प्रति प्यार को जनता ने वोट में बदलकर कल्याणपुर विधानसभा के चौतरफा विकास की बुनियाद रखी और सतीश निगम को विधानसभा भेजकर कल्याणपुर के एक नए युग की शुरुआत की। जब मैं क्षेत्र में चुनाव में वोट मांगने गया तो मैंने देखा कि लोग कैसी नारकी स्थिति में रह रहे थे। उनके घरों के सामने बुरी तरह से पानी और कीचड़ भरा हुआ जिससे बदबू आ रही थी। मैं सोच के और देख के दंग और हैरान रह गया कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत ही परेशानी में थे लोग। जहाँ गए लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही कि भैया मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। मैंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हम चुनाव जीतेंगे तो आपकी उन सड़कों को जहाँ पर सड़क न होकर के पानी और कीचड़ है उससे आपको बाहर निकालेंगे।
विधायक बनने के बाद सतीश निगम का सामना चुनौतियों से हुआ, जिसमें सबसे बड़ा काम यहां वर्षों से रुके विकास के पहिए को गति देना था। विकास से कोसों दूर कल्याणपुर में परिवर्तन की बुनियाद रखी गई और जन नेता अखिलेश यादव के विकास रथ को सतीश निगम ने कल्याणपुर के कोने कोने तक पहुंचाया। साल 2012 में विधायक बनने के बाद दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे सतीश निगम ने जनता और क्षेत्र के विकास को समर्पित कर दिए। वो अपने फोन को 24 आवर्स ओपन रखते, कभी भी आप उनके फोन को स्विच ऑफ नहीं पाएंगे, चाहे वो रात में सो रहे हो या सुबह जाग रहे हो। उनके पास समझिए रात में 2 या 3 बजे भी फोन आ गया कि मुझे प्रॉब्लम हो गई है, वो तुरंत उठ के जाएंगे। ड्राइवर नहीं है तो वो खुद गाड़ी ड्राइव करके जाएंगे, बट वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व इमिडिएटली वहाँ जाके करेंगे जरूर। कल्याणपुर में 2012 से लेकर अब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम अंजाम दिए गए। कल्याणपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए 39 करोड़ रुपए की लागत से गंगा बैराज मार्ग का निर्माण कराया। मैंने गंगा बैराज से और लखनऊ जाने का रास्ता बनाया, जिससे कितना आसान हो गया। हमारे विधानसभा के सारे लोग अब लखनऊ जाना होता है, उन्नाव जाना होता है तो गंगा बैराज का रास्ता चुनते हैं। उन्नाव तो 15-20 मिनट पहुंच जाते हैं और लखनऊ 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। वहीं 40 करोड़ रुपए की लागत से मैनावती मार्ग का निर्माण कराकर हजारों किसानों की समस्या का निदान कराया। विकास नगर से मकड़ी खेड़ा होते हुए इंदिरा नगर तक 16 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कराया। साथ ही 34 करोड़ रुपए की लागत से महानगर की प्रथम सीसी रोड स्वीकृत कराई, जिसका कार्य प्रगति पर है। कल्याणपुर से पनकी का रास्ता बहुत खराब था, इतना खराब रास्ता था जिस पर आदमी चल नहीं सकता था। मैंने 34 करोड़ रुपए से उस रास्ते को सीसी रोड बनवा रहे, और जिस क्वालिटी की रोड वो बन रही है, हम तो जो लोग वहाँ से निकले होंगे उन्होंने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा हम तो उनसे कह रहे हैं कि एक बार आप जाके देख के आइए। जिस क्वालिटी की रोड ये बन रही है, मेरा मानना है कम से कम 40 साल ये रोड चलेगी, और ऐसी रोड बनेगी कि लोगों को राहत मिलेगी। चौड़ी होके बन रही है रोड और बहुत अच्छा एक आवागमन का साधन बनेगा, और कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में ये रोड अब नहीं टूटेगी। सतीश निगम ने कुछ कार्य ऐसे भी कराए जो सदा कल्याणपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। चुनाव से पहले जनता से मेट्रो लाने का जो वादा किया था, उसे जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री की सहमति दिलाई। हमने आपसे वादा किया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो इस शहर में मेट्रो चलेगी, मैं इसका प्रयास करूंगा, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात शेयर की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात पर सहमति व्यक्त की, और कानपुर में मेट्रो का शिलान्यास हो गया और साथ ही साथ यार्ड भी यहाँ पर बनने लगा। तो एक ऐसा काम था ये जिसे जनता को सीधे बड़ा लाभ मिलना था। ये केवल आदमी के यातायात का ही साधन नहीं बनेगा, बल्कि जिस वक्त मेट्रो चलेगी तो आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। क्षेत्रवासियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने के लिए LPS हृदय रोग संस्था में 100 अतिरिक्त बेड की सुविधा कराई गई। हाईलाइट हॉस्पिटल के अंतर्गत शहर का पहला न्यूरोलॉजी सेंटर स्थापित कराने का श्रेय भी सतीश निगम को ही जाता है। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विकास परक योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया और कल्याणपुर में आजादी के बाद पहली बार विकास का नया सूरज उगा। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 25 साल से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ, वो हमारे माननीय सतीश निगम जी द्वारा 5 साल के अंदर अंदर करा दिया गया। और यहाँ की सड़क तो छोड़ दीजिए, जहाँ पर लोग घुटने भर पानी में रहने के लिए मजबूर हुआ करते थे, आज वो लोग सूखी सड़कों पर चल रहे हैं। ये सतीश निगम की कार्य कुशलता और मजबूत इच्छा शक्ति ही थी जिसकी वजह से कल्याणपुर के एक एक गांव में विकास को जमीन पर उतार कर जनता को हर तरह की सुविधाएं दी गईं। सतीश निगम ने पूरे विधानसभा क्षेत्र को एक नजर से देखा और क्षेत्र के 32 में से 32 गांव में विकास का रथ पहुंचाकर कल्याणपुर के विकास में एक नया इतिहास रच दिया। हमारे क्षेत्र में पिछले 5 सालों में जितना विकास माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हुआ,
आज तक कभी उतना विकास नहीं हुआ। गुरुदेव चौराह से केसा कॉलोनी आने के लिए इतने गड्ढे थे, सब लोग गिरते थे, हम खुद गिर चुकी उस गड्ढे में। और अब उन सतीश निगम ने इतना अच्छा सड़क बनवा दिया यहाँ से मकड़ीखेड़ा सीएनजी तक कि कोई आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री सतीश निगम जी ने जो कार्य विगत 5 वर्षों में किया है वो आज तक कभी किसी सरकार के समय में नहीं हुआ है। इन सभी गांवों में पक्की गलियां, निकासी के लिए नाली निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप का प्रबंधन कराया गया और कल्याणपुर विधानसभा के हर कोने में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराकर आपके जनसेवक सतीश निगम ने विकास की नई इबारत लिखी। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बिजली तो थी लेकिन बिजली की व्यवस्था बांस और बल्ली पे ले जाई गई थी। वहां भी एक गांव ऐसा भी था हमारे क्षेत्र में धनौपुरवा, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी से लगाकर और 2012 तक बिजली नहीं आई थी। जब मैं शाम को वहाँ पहुँचा, मैंने लोगों से पूछा कि क्या बत्ती नहीं आ रही है, तो लोगों ने कहा साहब बत्ती क्या आ रही है, यहाँ तो बत्ती है ही नहीं। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से इतने सालों में यहाँ पर बिजली नहीं है, इससे ज़्यादा विडंबना और क्या हो सकती है। तब जबकि वह गांव नगर निगम सीमा में हो और तब जब उसकी MLA खुद जो पूर्व हमारे से रही वो मिनिस्टर रही हो कई बार, मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम चुनाव जीतेंगे तो 1 महीने के अंदर बिजली आएगी और मैंने उनका कार्य 1 महीने के अंदर 28 दिन में कराया। जनता के हित को सबसे ऊपर रखने वाले सतीश निगम आज क्षेत्र की जनता के दिल में बसते हैं। जनता अपने बीच एक ऐसा सियासी रहनुमा पाकर गौरवान्वित महसूस करती है जो हर वक्त उनकी पहुंच में है। जनता को यह एहसास है कि वो किसी भी वक्त अकेले नहीं है, एक है जो हर वक्त उनकी पैरवी करने के लिए दिन रात खड़ा है। जमीन से उभरे हुए विधायक जो आज के युग में देखने को मिलता है तो वो सिर्फ सतीश कुमार निगम जी में। कभी भी कोई भी काम किसी भी प्रकार का पड़ा या इनको मालूम भी पड़ा तो सारे काम भी इन्होंने साल्व किए हैं। हमारे अलावा जो इनको नहीं जानता है उन्होंने भी अगर अपनी कोई समस्या इनके सामने रखी है या भिजवाई है या इनको बुलाया है तो मेरे हिसाब से उनके पास गए हैं और उन्होंने सारे काम किए हैं उनके जहाँ तक इनसे हो सका है। कल्याणपुर में महिलाओं व लड़कियों को बेहतर और बेखौफ माहौल देने के लिए पुलिस व प्रशासन के साथ तालमेल बिठाते हुए अराजकता पर अंकुश लगाया। आज कल्याणपुर में महिलाएं और युवतियां बिना किसी डर के जीवन निर्वाह कर रही हैं। महिलाओं को अगर प्रताड़ित किया जाता है घर में तो भी उसमें भी काफी सुधार आया। इन्होंने थाने में जाके बोला है लोगों से और महिलाओं को जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहीं किसी भी विभाग से भी दिलवाने होते हैं तो वो दिलवाए। विधवा, वृद्धा, विकलांग ये चौपाल लगवा के इन्होंने फॉर्म भरवाए, लोगों की पेंशनें बनवाई। जैसे कि हम लोग पहले अकेले कहीं जा नहीं सकते थे, हम लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी और पुलिस कंट्रोलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की है। जो भी हम लोगों का काम रहता है वो अच्छे से, पहले हम लोगों के काम हो नहीं पाते थे, फॉर्म हम लोगों के लैपटॉप से रिलेटेड या किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड जमा नहीं होते थे, अब वो भी सारे सबमिट हो जाते हैं, जिसमें उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं लागू कराई, ड्रेस और किताबों का वितरण कराकर स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कराया। बुजुर्गों को सम्मान देते हुए सरकार की पेंशन योजना से उनकी आर्थिक मदद सुनिश्चित कराई। जनता के बीच जनता का सेवक बनकर पिछले 5 वर्षों में सतीश निगम ने जनता के साथ जिस मिलनसारी के साथ काम किया वो अपने आप में मिसाल है। सतीश निगम जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और समय समय पे जब कभी कोई परेशानी हमारे इस परिसर में आई है उन्होंने सहयोग किया है। हमारे यहाँ का HBDI कॉलेज को उन्होंने यूनिवर्सिटी करा दिया, इसमें हम लोगों का बहुत फ़ायदा है। और हमारे यहाँ के माननीय सतीश कुमार निगम जी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कार्य होता है तो वो तुरंत उसका निराकरण करते हैं। विकास के जिस पथ पर चलकर आज कल्याणपुर क्षेत्र प्रगति कर रहा है उसमें अभी बहुत सारे कार्य ऐसे किए जाने हैं जिनसे विकास गति में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तेजी आएगी। ये मेरे ऐसे कार्य हैं जिसे कोई कभी भूलेगा नहीं और मैंने
नए कार्य की और आगे की भी मेरी सोच है। आगे मैं चाहता हूँ कि एक संजय गांधी जैसा बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कल्याणपुर में आए, और माननीय मुख्यमंत्री से मेरी सिलसिले में वार्ता भी हो गई, उनकी सहमति भी हमको मिल गई है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि नहीं, हम इसको देंगे कानपुर में, क्योंकि कानपुर की ज़रूरत को माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उन्होंने सहमति दी है। मेरा मानना है कि हम इसमें कामयाब होंगे। इसके साथ साथ एक महिला महाविद्यालय भी हमारे उसमें नहीं है क्षेत्र में, कल्याणपुर में। मैं चाहता हूँ कि एक महिला महाविद्यालय भी सरकारी खुले, ताकि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उनके लिए अच्छी सुविधा मिले। इसके लिए जरूरी है आने वाले चुनावों में पिछली बार की तरह इस बार भी सतीश निगम और कल्याणपुर की जनता के बीच कोई ना आ सके। सतीश निगम और कल्याणपुर की जनता के बीच बन चुका रिश्ता और भी मजबूत होगा, और आने वाले चुनाव में जनता सतीश निगम को एक बार फिर कल्याणपुर विधानसभा का जनसेवक बनाने का आशीर्वाद देगी। मेरा वोट सतीश निगम को। 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 मेरा वोट सतीश निगम जी को। मेरा वोट सतीश निगम। मेरा वोट सतीश निगम को। मेरा वोट सतीश निगम को। मेरा वोट सतीश निगम जी को। मेरा वोट सतीश निगम को। मेरा वोट सतीश निगम जी को। मेरा वोट सतीश निगम को। मेरा वोट सतीश कुमार निगम को। मेरा वोट सतीश कुमार निगम के साथ। मेरा वोट सतीश निगम को। मेरा वोट सतीश निगम को। कल्याणपुर में विकास का जो सिलसिला सतीश निगम ने शुरू किया है, वो अगले 5 सालों में भी इसी तरह चलता रहेगा। मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है, और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि साइकिल वाले बटन पर उंगली रखकर उसे दबाकर मुझे अपना मत देने का कष्ट करें, ताकि मैं आगे की जो मेरी योजनाएं हैं आपकी बेहतरी के लिए उन पर काम कर सकूं, और आपको तरक्की के रास्ते पर दूर तक ले जा सकूं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। आपका सेवक सतीश निगम।